हेलो व्यूअर, फिर से आप सभी को होम जानकारी चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले 22 फीट बाई 27 फीट के ऊपर एक हाउस प्लान बनाया था। वहां पर हमने दो बेडरूम के साथ साथ किचन, डाइनिंग, लेटरिंग, बाथ और सीढ़ी था, तो थोड़ा सा एक बरामदा जैसा था। तो हमने इसके ऊपर सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो ये है सेकेंड फ्लोर के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, वो वाला जो हाउस प्लान था यही था। हम चैनल में आपका मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आई बटन में भी आप जाके भी देख सकते हैं। तो पहले अगर जो व्यूअर्स मेरा देखे नहीं ये वाला वीडियो को, वो इसको देखें, उसके बाद इसको आपको क्लियरली समझ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें, इसी तरह का हाउस प्लान का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। देखिए, आपको घर बनाना है तो अच्छा आपको सलाह तो चाहिए, तो यहाँ पर अच्छा सलाह मिलता है, सही हिसाब मिलता है, सब कुछ हम क्लियरली बताते हैं और आपका कमेंट का रिप्लाई भी हम करते हैं। आपको अगर कोई हाउस प्लान बनाना है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ये जगह में जो इसका पहले हम साइज़ बता देते हैं, इधर से है 22 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका है 27 फीट। तो उसमें हमने बाहर का जो वॉल था, सभी वॉल 10 इंची रखे थे और भीतर का सभी वॉल 5 इंची रखे थे। तो व्यूअर्स, आप चाहे तो भीतर का सेकंड फ्लोर में 5 इंची भी रख सकते हैं और 10 इंच भी रख सकते हैं, आपको जो सही लगे। तो देखिए, हम एक तो आपको आइडिया बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो साइज़ तो लिख देते हैं, 10 फीट इधर से और इधर से 10 फीट इसका साइज़ है। ये वाला रूम का 10 बाई 10, इसका है आपका 9 फीट 6 इंच और इधर से 10 फीट, तो इसका हो गया 9 फीट 6 इंची बाई 10 फीट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दो रूम है, चाहे तो आप ये वाला इसको बेडरूम के तौर में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर का बात हो रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बेडरूम के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं और इसको भी बेडरूम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं, वो वाला हाउस प्लान में किचन था, यहाँ पर डाइनिंग था, तो आप चाहे तो यहाँ पर किचन डाइनिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। यहाँ पर बेसिन रख भी सकते हैं आप मुँह धोने के लिए। यहाँ पर जो है इसका जो टॉयलेट है, यहाँ पर लेटरिंग बाथ, यहाँ पर ऊपर में हमने एक कॉमन लेटरिंग बाथ दिए हैं जिसका साइज हमने लिख देंगे उस प्लान में। इसका जहाँ पर था वही जगह में है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसका जो साइज़ है ये हम आपको लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, 10 फीट। तो इसका साइज है 10 बाई 10। तो ये वाला दो रूम जो है बेडरूम के तौर में यूज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर में किचन नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बेडरूम के हिसाब से ये वाला रूम को यूज़ कर सकते हैं। अगर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा 5 इंची करके हिसाब से अगर इसको आप करेंगे तो 5 5 10 इंच कम जाएगा आपका, तो 1 फुट का आसपास कम हो जाएगा, तो रूम और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप 10 इंच के हिसाब से बनाएंगे तो इतना ही साइज रहेगा, ये क्लियरली हिसाब बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बेडरूम लिख देते हैं, बेडरूम, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको लिख देता हूँ बेडरूम। अच्छा, ये वाला जो है इसको हम मतलब सेकंड फ्लोर में किचन बना देता हूँ। ओके, अगर आप किचन नहीं रखना चाहते हैं तो बेडरूम भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर किचन बना देते हैं प्लस डाइनिंग हॉल। ओके, तो इसका जो स्टेयर था इधर से नीचे से होके ऊपर आ रहा था, तो उसके बाद यहाँ पर एक आपका बरामदा जैसे मिलेगा जिसका साइज़ है 4 फीट जैसा है। और देखिए, हम लिख देते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसका है 4 फीट। ओके, तो ये हो गया 4 फीट, इसका भी सेम है 4 फीट 4 फीट, इसका लंबा जो है 7 फीट है, 6.5 फीट जैसा है। तो देखिए,
अगर हम आप इसको 5 इंची देंगे तो 7 फीट हो जाएगा, और 10 इंची रहेगा तो इसका 6.5 फीट रहेगा, 4 बाई 6 फीट 6 इंची। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया। और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फीट आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 13 फीट जैसा आ जाएगा। यहाँ तक होगा तो 9.5 फीट होगा और 3 फीट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेयर का जो साइज़ था, स्टेयर का साइज़ जो हम लिख देते हैं, इसका इधर से था 10 फीट और इधर से था 9.5 फीट, 9.5 to 10। ओके, इधर से था 10 फीट, इधर से था 9.5 फीट। आशा करता हूँ समझ में आया आपको। तो देखिए, जहाँ जहाँ पर पिलर था, पिलर को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आपको, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ यहाँ पर पिलर है, उस प्लान में यहाँ पर, यहाँ पर पिलर है, तो यहाँ पर ही आपको पिलर रहेगा। आपको कुछ अगर डाउट रहा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, तो वहाँ पर जो पिलर का जो साइज था वो था आपका 10 बाई 10। ओके, तो ये भी 10 बाई 10 ही होगा। उसके बाद देखिए, हम थोड़ा विंडो को थोड़ा आपको हाईलाइट कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ पर विंडो रखे हैं, जे कि आपको वही जगह में विंडो रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वेंटिलेटर है, आप चाहे तो आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सीढ़ी में मिडिल में 1-2 फुट का जैसा विंडो रहेगा, थोड़ा घर को देखने में अच्छा लगेगा। आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अगर देंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद हम थोड़ा वॉल्स आपको हाईलाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वॉल जो है वो हमने आपको हाईलाइट कर दिए हैं। अभी जो यहाँ पर, जहाँ पर दरवाज़ा होगा उसको हम आपको दिखा देते हैं। डोर सब जहाँ पर होगा, ओके, हमेशा करके इसको डोर को, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आपको समझ में आने के लिए यहाँ पर जो डोर साइज है, ध्यान से देखिए, डोर 2 फीट 6 इंच बाई 6 फीट लेटरिंग बाथ के लिए, बेडरूम के लिए है 3 बाई 6 सभी बेडरूम का। ओके, यहाँ पर विंडो जो रखे हैं हमने, यहाँ के लिए यहाँ पर हमने विंडो 2 बाई 3 रखे हैं, और सभी विंडो हमने 3 बाई 3 रखे हैं। आप चाहे तो 3 बाई 4 भी रख सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आया। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, इसी तरह का हाउस प्लान का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने के लिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक घर का प्लान में, तब तक जय हिंद जय भारत।